पिछले 4-5 दिन तो अभी देख रहे हैं कि वो कोई एक्ट करेगी, पर हल तक कोई एक्ट करने की पूरी ये पंजाब सरकार ने पिछले दिन 6वें पे कमीशन की रिपोर्ट जड़ी है पेश की सी विधानसभा अपने कैबिनेट के बीच, तो उस सानू बहुत रोस है। लोगों को बड़ी उम्मीदा सगिया बनिया हुई पंजाब सरकार ने कि इलैक्शन के दिन नेड़े आ रहे हैं तो पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी शायद खुश करेंगे, पर हरेक वर्ग नाराज कर दिता इन्होंने। अज हरेक वर्ग के इंपलाई जोड़े ने सरकारी स्ट्राइक तो उतरे हुए हैं, दफ्तर कलर्क भी कोई नहीं काम कर रहे, डीसी के दफ्तर च नहीं काम हो रहे, DTO के दफ्तर च नहीं काम हो रहे, तो साढ़े महकमे के भी कलर्क सारे हड़ताल से चल रहे हैं उस दिन के। तो हूँ डाक्टर ने भी ये काम उलीकिया है कि जो सरकार ने यह करोना के दिनों पैंडेमिक की परवाह नहीं की, उन्होंने चाहिए सी ये कुछ दिन होर रुक लेंदे, घट्टो घट पैंडेमिक का जो दौर चल रहा है उसको ठीक होने देंदे। उन्होंने साढ़े भी रोस पैदा कर दिता है, सरकार ने साढ़े काम की शलाघा तो की करनी सी, सरकार कितने सानू जथेबंदियां ने दूजिया NGO वगैरह होर थां थां ते सन्मानित करते पे ने कि यह योद्धा मूहरे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं करोना की, जिहड़ी कि एक छुपी हुई लड़ाई है। एक बॉर्डर के उत्ते लड़ाई हुंदी है, वो फौजियों नू दुश्मन सामने दिख रहा हुंदा है, तो हाथ च भी उन्होंने बंदूकां हुंदियां, इत्थे साढ़े हाथ भी नहीं हथे तो दुश्मन भी नहीं दिखता पिया। एड्डी वड्डी असी लड़ाई जिहड़ी है सेहत दे कामे लड़ रहे हैं, तो सरकार ने उन्होंने सानू रोल दिता है, सानू निराश कर दिता है। कितने सानू तनखाह वधन की उम्मीद सी, सरकार ने तनखाह घटाउण का हुक्म जारी किया, तो इस करके असी सारे हुण इकट्ठे होए हां। ये सिर्फ साढ़े PCMS के डॉक्टर ही नहीं, साढ़े स्पैशलिस्ट डॉक्टर, MO, रूरल मैडिकल ऑफिसर, डेंटल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से वटरनी डॉक्टर, हरेक तरह के डॉक्टर साढ़े नाल इकट्ठे ने, तो असी सरकार नू बार बार ये गल्लां करके साढ़े आगू भी अगे जाके गल्लां करके आए ने, वार्निंग दे रहे सी पिछले दिनों कि यह वापस ले लो। सरकार उस तरह ही ढिला मिसा चली जाती पी है, एक पता लगे है जिथे असी पूरे होके करोना के नाल लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, सरकार ने शर्म आनी चाहिए है कि सानू रोल दिता है सरकार ने, तो सानू हुण सरकार दे नाल ही लड़ाई लड़नी पै रही है, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिता है साढ़ा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो कि असी 1989 के 86 दिनों की लगातार संघर्ष करके सरकार को प्राप्त किया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25% एंड पार्ट ऑफ बेसिक पे, और सरकार ने घटा के 32 सालों तो बाद अपने आप ही फैसला ले लिया। पता नहीं कहते खजाने भरने लिए पैसे की जरूरत है, तो इन्हों योद्धा की तनखाह घटाने वाली सूझी है लांत है इस तरह के। करो जिंद मुर्दाबाद करियो, मनप्रीत बादल मुर्दाबाद, पंजाब सरकार हाय हाय। तो सरकार ने यह 32 सालों बाद फैसला लैके साडा NPA 25% तो घटा के 20% किया है, और नाले पार्ट ऑफ बेसिक पे नहीं रहेगा, बाकी तो पत्ते इस उत्ते नहीं लागू होंगे, जिस करके साडी तनखा बड़ी घटेगी और पेंशनर जिहड़े ने उन्हां दी पेंशन भी घटेगी। तो इस हड़ताल सिर्फ असी मैडिकल ऑफिसर तो SMO ही नहीं, सिविल सर्जन के डायरैक्टर भी अफेक्टिड ने, सारे जने असी स्ट्राइक कर रहे हैं, किसी ने काले बिल्ले लाए ने तो रोस जाहर कर रहे हैं। जे सरकार ने यह साडी मंग ना मनी, अज यह असी हड़ताल एक दिन की ही की है, तो अगर संघर्ष होर तेज़ करांगे, ये सरकार ने वार्निंग दी है। यह तो जे सानू जरूरत पई, इलैक्शन नज़दीक ने, तो असी जोर ला देना पूरा, हरेक डॉक्टर के नाल काफ़ी पब्लिक जुड़ी हुई है, सरकार नू हराने की पूरी कोशिश करांगे आने वाले दिन, यह जे जरूरत पई संघर्ष नू इलैक्शन तक लैके जावांगे। डॉक्टर यूनिटी जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद।